दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्ट से मुक्त रखने के बाद भी यहाँ पर जो शिक्षकों के तबादले की तैयारी यहाँ पर चल रखी है। प्रदेश के जो यहाँ पर 189 जो अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं उस पर जो है यहाँ पर शिक्षकों के स्थानांतरण का मामला यहाँ पर चला हुआ है। और बताया गया है कि यहाँ पर जो प्रदेश के जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं यहाँ पर जो है तबादले से मुक्त रखने के यहाँ पर शासन आदेश के बाद भी यहाँ पर इन स्कूलों में जो यहाँ पर पहले से कार्यरत शिक्षकों की जो है इस साल जो है तबादले की तैयारी है। तो यहाँ पर तबादले नहीं होने की बात कही गई थी लेकिन उनकी जो है तबादले यहाँ पर करे जा रहे हैं ऐसा बताया गया है। और हाल ही में जो यहाँ पर अटल उत्कृष्ट में जो है लिखित परीक्षा के हाल ही में जो है शिक्षक एवं प्रिंसिपल के भेजे गए हैं और उन्हें जो है योग्यता के आधार पर जो है भेजा गया है। और वहीं यहाँ पर स्कूलों में जो है पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों का मामला यहाँ पर शासन को भेजा गया है और शासन स्तर पर जो है इस पर जो है कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर देख सकते हैं कि जल्द मिलेंगी 23 IAS अफसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि PCS कैडर के लिए पद होंगे खाली। तो यहाँ पर नई उम्मीदवार को जो है मिलेगा मौका ऐसा बताया गया है। तो सरकार की ओर से जो है 23 जो IAS अफसर हैं उनको मिल जाएंगे। और इसको लेकर बताया गया कि पदोन्नति से मिलने वाले जो 23 IAS अफसर हैं उसकी वरिष्ठता के आधार पर जो इनको चयन किया जाएगा। और PCS कैडर में जो यहाँ पर भी बनेगी जगह। तो यहाँ पर देख सकते हैं PCS कैडर में भी जगह बनने की बात कही गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर कल जो है देश को मिले 288 युवा अफसर की जो है टोली। तो यहाँ पर देखते हैं कल जो IIM में है इसका जो है पास आउट हुआ था इसमें जो है 288 जो है अफसर मिले हुए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर स्नातक के जो है छात्रों को मिलेगी डिजिटल डिग्री। तो यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है छात्रों की जो है डिग्री की डिजी लॉकर में जो है यहाँ पर अपलोड करेगी। और यहाँ पर जो है आपको अब डिजी में जो है आपको वहाँ पर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा और ऐसे आपको करना है डाउनलोड। ये बताया गया है रोल नंबर आपको नामांकन संख्या है और ये सब कुछ आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी यहाँ पर जो है अभी जो प्लेटफॉर्म है वो तैयारी कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षक संघ की जो है प्रदेश कार्यकारिणी पर जो है विवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा संघ के जो है प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर जो है विवाद गहराता जा रहा है और जिला संगठनों में जो है इसे लेकर जो है यहाँ पर तकरार बढ़ती जा रही है। और जहाँ जो है 7 से अधिक जो है जिलों में 13 जून को होने वाली जो बैठक का उसका बहिष्कार भी कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर अनुपस्थित जो 8 शिक्षक थे उनकी नौकरी पर खतरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गढ़वाल मंडल के स्कूलों से यहाँ पर जो है पिछले लंबे समय से नदारद जो 8 शिक्षक हैं उनकी सेवाएं जल्दी यहाँ पर समाप्त हो सकती हैं। और मंडल अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल AD ने यहाँ पर जो है इन शिक्षकों को जो है स्कूल में अपनी उपस्थिति देने के लिए यहाँ पर 5 जुलाई तक का जो है समय दिया गया है और इसके बाद जो है इनकी सेवाएं यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये स्कूल नहीं आ रहे। तो ऐसे में जो है इनकी सेवाएं समाप्त हो सकती हैं और 5 जुलाई तक जो है यहाँ पर टाइम दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर नई शिक्षा नीति को लेकर तो यहाँ पर देखते हैं इसको लेकर जो है गहन जो है मंथन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड के जो यहाँ पर श्रीनगर में स्थित हैं उस पर जो है यहाँ पर आज़ादी की जो है अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थान में जो है वो कार्यान्वयन में जो है चुनौती विषयों पर जो है संकाय विकास कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर नीट PG 2021 के लिए यहाँ पर नहीं होगी काउंसलिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है नीट PG 2021 में खाली रह गए जो लगभग 1400 के करीब जो पोस्ट थे उसके लिए यहाँ पर जो है एक और जो है दौर की जो है काउंसलिंग कराने की जो है शुक्रवार को यहाँ पर जो है खारिज कर दिया गया है। और शीर्ष कोर्ट ने जो है यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से यहाँ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का जो है जो स्पेशल स्टेट राउंड आपका होता है वो नहीं करने का जो है निर्णय चिकित्सा शिक्षा एवं जो है जन स्वास्थ्य के हित में यहाँ पर किया गया है ऐसा हमें बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 10 से लेकर 15 जुलाई के बीच यहाँ पर हो सकती है CUET परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में यहाँ पर दाखिले से जुड़े संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि आपके CUET की तारीखों को लेकर जो है यहाँ पर अब इंतजार खत्म हो सकता है। और ये परीक्षा जो है आपके 10 से लेकर 15 जुलाई के बीच में यहाँ पर हो सकता है जो कि आपको NTA कराने जो है इसका ऐलान जल्दी करेगा। ठीक है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा आपका यहाँ पर पेपर होना है और इसका जो ऐलान हो जल्दी यहाँ पर कर दिया जाएगा। और इस साल जो है यहाँ पर लगभग जो है देश और विदेश के जो है लगभग 9 लाख से अधिक जो छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है पहली बार जो है यहाँ पर आयोजित की जा रही परीक्षा और 9 लाख के करीब जो है लोगों ने फॉर्म फिल किया है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश के यहाँ पर 95 BEO से यहाँ पर जो है परीक्षा परिणाम की जो है रिपोर्ट तलब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने जो है प्रदेश के सभी जो 95 खंड शिक्षा अधिकारी से 10वीं से लेकर 12वीं
तक के परिणाम की जो है रिपोर्ट तलब की है। और इस बार जो है अब 10वीं और 12वीं की जो है बोर्ड परीक्षा में कुल जो है लगभग 2,39,583 जो है छात्र छात्रों ने परीक्षा दी है। सबकी रिपोर्ट जो है यहाँ पर कितने उत्तीर्ण है, कितने उत्तीर्ण, पूरी रिपोर्ट जो है यहाँ पर देने की बात कही है। और 10वीं जो है यहाँ पर 29,000 छात्र करीबन फेल हो रखे हैं, और वहीं यहाँ पर 12वीं में जो है 17.37% जो है फेल हुए हैं। तो सभी की रिपोर्ट तलब करने की बात कही गई है यहाँ पे। और वहीं बात करें आज जो है यहाँ पर परीक्षा होनी है आपकी चालक भर्ती की, तो यूके परिसर की ओर से यहाँ पर चालक भर्ती जो आपकी 12 तारीख को पेपर होना है। अल्मोड़ा ज़िले में यहाँ पर 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ऐसा बताया गया है, जिसमें यहाँ पर इन पर जो है लिखित परीक्षा होनी है, और इसके लिए यहाँ पर तैयारी पूरी कर दी गई है आयोग और यहाँ पर जो है अल्मोड़ा विभाग के द्वारा। और वहीं बात करें यहाँ पर इग्नू के नए MC कार्यक्रम में जो है जुड़े कई नए पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इग्नू में यहाँ पर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA में जो है प्रोग्राम में कई नवीनतम जो पाठ्यक्रम है जोड़ दिए गए हैं। और परीक्षा कार्यक्रम में यहाँ पर जो है जुलाई 2022 सत्र के लिए यहाँ पर जो है प्रवेश शुरू हो गए हैं, और इसके लिए यहाँ पर जो है इग्नू का नया जो इस MCA कार्यक्रम है वो चलाने की जो है मंजूरी देते हुए 2022-23 के लिए यहाँ पर जो है 20,000 सीटें यहाँ पर आवंटित की गई हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर नई जो शैक्षणिक सत्र के लिए यहाँ पर जो पंजीकरण शुरू, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक सत्र जो आपके 2022-23 है इसके लिए विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए यहाँ पर जो पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। और इसके लिए आप वेबसाइट यहाँ पर जारी कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की जो ऑफिस साइट है वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप पंजीकरण कर सकते हैं। और 13 और 14 जून को यहाँ पर श्री अरबिंदो आश्रम में जो है लगेगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, तो यहाँ पर देख सकते स्वास्थ्य शिविर लगने वाला है। और बात करें उत्तराखंड लोक सेवा की तरह आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संपर्क समूह गौ जो आपके यहाँ पर प्रवक्ता लेवल की पोस्ट आई थी आपकी 2020 में, और इसमें आपका 31 मई 2022 को यहाँ पर घोषित चयन परिणाम आपका किया गया था, उसमें कुछ त्रुटि हो गई थी उसके कारण बस जो है यहाँ पर रिजल्ट को चेंज करना पड़ा। और प्रवक्ता जीव विज्ञान का जो है सामान्य महिला शाखा में रिजल्ट संशोधित जो रिजल्ट है उसका चयन परिणाम जारी किया गया है, और इसके लिए यहाँ पर जो है 10 जून 2022 को घोषित कर दिया गया था। और वहीं यहाँ पर बताया गया है कि जो संशोधन चयन परिणाम है उसकी कट ऑफ मार्क्स जो है आपकी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, यानी कि कट ऑफ मार्क्स में भी काफ़ी बड़ा चेंजेस देखने को मिला है, तो आप लोग जाकर देख चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो प्रवक्ता जीव विज्ञान में जो है काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है उसमें, तो आप ज़रूर देख लें संशोधित वाला। और आप लोग देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पर शैक्षिक सत्र के लिए यहाँ पर जो है आपके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं, 50 रुपये का यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन शुल्क आपका लगने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन करने को लेकर तो आप जो है यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं, और इसकी जो है बाद में मेरिट बनेगी तो आपका जो है आपका स्कूल में कॉलेज में जो है आपका चयन उसी हिसाब से आपका होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर इस बार जो है सीधे जो है आखिरी वर्ष की जो है परीक्षा देंगे 25,000 विद्यार्थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 25,000 छात्रों के लिए इस बार जो है सीधे वर्ष जो आपके अंतिम वर्ष वाले होंगे वो परीक्षा यहाँ पर देंगे। और कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर ये विद्यार्थी जो यहाँ पर स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की जो है परीक्षा में जो है पदोन्नत होकर जो है अगली कक्षा में जो है पहुँचे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर फाइनल ईयर वाले ही आपके एग्जाम यहाँ पर देंगे। और UU के जो है यहाँ पर राज्य भर की जो है डिग्री कॉलेज में 118 केंद्र संचालित हैं, जिसके करीब जो है यहाँ पर 85,000 छात्र जो विद्यार्थी हैं वो इस पर ग्रीष्मकालीन सत्र के लिए यहाँ पर परीक्षा देंगे ऐसा बताया गया है। और साथ में अगर बात करें असाइनमेंट जमा करने और परीक्षा सेंटर बदलने की यहाँ पर जो तिथि होगी अंतिम तिथि वो 15 जून है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा नियंत्रक जो कि आपके डॉक्टर सोमेश कुमार हैं उन्होंने बताया कि विद्यार्थी जो है ऑनलाइन माध्यम से असाइनमेंट 15 जून तक जमा कर सकेंगे, और साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा केंद्र में जो है संशोधित भी आपको 15 जून तक ही करना है। इसके अलावा जो है पूर्व की जो है परीक्षा में जो है बैक आने या सुधार परीक्षा देने इच्छुक जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर निर्धारित तिथि तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं ऐसा यहाँ पर कहा गया है। साथ ही अगर आपको बात करूँ तो ये वित्त विहीन जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है दानू इंटर कॉलेज इंदिरा नगर बिंदुखत्ता में, इसमें आपको प्रवक्ता LT और पोस्ट मिलेंगी कलर की। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान गणित हिंदी अंग्रेजी संस्कृत इतिहास इन पर जो है आपके पास यहाँ पर जो है प्रवक्ता पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आपके पास अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान ये भी है, और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर LT में सहायक अध्यापक के विज्ञान अंग्रेजी और यहाँ पर व्यायाम शिक्षकों की वैकेंसीज है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एक यहाँ पर कलर की पोस्ट भी है इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, और ये जो है आपकी कल की न्यूज़पेपर में जो है छाया पर आर्टिकल है 21 दिन इसकी लास्ट डेट है, तो 21 दिन के अंदर जो है आप इन पदों पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये फॉर्म मिलेगा इसी स्कूल में। और वहीं बात करें यहाँ पर सिंचाई विभाग के पदों को जो है बहाल करने की मांग, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भर्तियों को लेकर जो अगर बात करें तो यहाँ पर 228 जो सिविल अभियंता हैं इसके रिक्त पदों की जो है अध्याचन लेकर
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर सामान्य त्रुटि का हवाला देकर जो है अध्याचन वापस ले लिया गया था, और इसी वजह से यहाँ पर जो है भर्ती की जो है बहाली करने की मांग को लगातार जो है इनका आंदोलन चला हुआ है, जो कि 228 जो रिक्त पद हैं उनका अध्याचन फिर से वापस जो है लोक सेवा आयोग को भरने के देने के लिए कहा गया है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर इन पर नियुक्ति हो सके।